वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसी चैनल नू सबसक्राइब कर लवो ते नाल ही बैल आइकन जरूर दबा लवो, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। ते नाल ही जेकर तुहानू यह वीडियो चंगी लगी तो इस नू लाइक ते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, इतिहास में आता है कि जदों पंजवें पातशाह ने सुखमनी साहब का पाठ उच्चारण करना सी तां उस वेले सच्चे पातशाह सारी रात जागते रहे, विचार करते रहे कि सिखां लई इहो जिही बाणी उचारी जाए जिस नूं सुन के सिखां दा भला हो जाए, 24,000 मनुखां दे सवाल सफले हो जाण, मनुख दा लोक ते परलोक सुखाला हो जाए। जिहड़ा इस गुरबाणी नूं पढ़े उस दीआं आउण वालीआं पीढ़ियां नूं वी सुख प्राप्त होण। ते जदों गुरबाणी लिखवाउण वास्ते पातशाह अपने मूँह चों पहला शब्द उचारिया गौड़ी सुखमणी महला पंजवां, भाई गुरदास जी ने यह अक्खर लिखते दिते ते पातशाह नूं पुछदे ने कि महाराज यह किहो जिही गुरबाणी उचारण करन लगे हो, इहदा की महात्म होवेगा। ते महाराज कहन लगे यह सुखां दी मणी है, जिमें मणी वाला सप अपनी मणी विचों अमृत पी के अपना जहर दूर करता है, उवें ही जिहड़ा बंदा अकाल पुरख नूं हाजर नाजर जान के इसका सेवन करेगा, भाव पाठ करेगा, उसनूं इस मणी विचों सुख ही सुख प्राप्त होवेगा। सप वांग मनुख विच वी विशे विकारां दी जहर भरी हुई है, ईरखा दी काम क्रोध मोह लोभ हंकार दी जहर भरी हुई है, तृष्णा की जहर भरी हुई है। इसलिए गुरु साहब ने कहा है कि भाई जेड़ा इस पावन बाणी नू परमात्मा दे सन्मुख हो के इस नू जपेगा, अपनी रसना तो इस नू सेवन करेगा, उस दे अंदरों जेड़ी विशे विकारां दी जहर भरी हुई है वह खत्म हो जाएगी। महाराज ने सुखां दी मणी दा बहुत वड्डा महात्म लिखिया होया, ते 24 घंटिया विच हजारां ही सवास लैंदा मनुख, पर सारे ही व्यर्थ गवा लए ने, पर बाणी नहीं पढ़ी, गुरु लेखे नहीं लाए सवास। कुछ समां तां तुसीं गुरबाणी नूं जरूर दिओ, गुरबाणी पढ़ी कदे व्यर्थ नहीं जांदी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।